राहुल गांधी ने जनहित की बात की है, जिनको अच्छा नहीं लगता है चाहे कांग्रेस के हों या बाहर के हों, वो अपना मातम मनाए। राहुल गांधी भविष्य देश का। जिन्हें महंगाई बढ़ी है उन्होंने तो डीजल पेट्रोल और गैस का दाम जबरन बढ़ाने का काम किया है। सत्ता की जो मलाई में खाने में मस्त हो वो तो निश्चित रूप में चौकेंगे, उनको महंगाई से क्या ले देना। रेलवे और हवाई जहाज की बात हम लोगों ने सुना था, अब सुनते हैं कि दूरदर्शन को भी बेचने की बात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हम सदाकत आश्रम में मौजूद है और यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। आपको बताते चले, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनमानस के कमर तोड़ रही है, जिसके खिलाफ तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे अब धरने पर बैठ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आज आप लोग धरने पर बैठ गए, इससे पहले भी आप लोग सड़कों पर उतरे थे, सरकार तो आप लोगों की बातों को सुन नहीं रही है। जिस तरह पूरे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, महंगाई जिस तरह से हर रोज बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग हर रोज आंदोलन करने पर उतारू हैं। डीजल पेट्रोल गैस सभी का दाम चरम पर है और सरकार से बार बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बहरी बनी हुई है। जिस तरह से काले कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं उसको लेकर के पूरे देश के किसान आक्रोशित हैं। हम किसान के इस मामले में साथ हैं और आज जो आंदोलन चल रहा है किसानों के हित में भी चल रहा है। पिछले दिनों भारत बंद का कॉल हुआ था, उसका भी हम लोगों ने समर्थन किया था, और जब तक ये सरकार हम लोगों की सभी जायज मांगे नहीं मानती है तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे, इस तरह का धरना का आयोजन करते रहेंगे। वीर सिंह जी, महंगाई को लेकर लगातार आप लोग सड़कों पर उतरते रहे हैं और केंद्र सरकार ये कहती रही है कि कोरोना काल में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं, यही कारण है कि थोड़ी बहुत महंगाई जो है वो बढ़ी। नहीं, महंगाई बढ़ी है उन्होंने तो डीजल पेट्रोल और गैस का दाम जबरन बढ़ाने का काम किया है। वो टैक्स जो उनको कम करना चाहिए था, अभी गरीबों के हित में मध्य वर्ग के हित में वो कम नहीं कर पा रहे हैं, उसका सीधा लाभ सरकार ले रही है। चूँकि ये सरकार कोई भी जनहित में काम नहीं कर रही है, जो सरकारी संपत्ति है उसको बेचने का काम कर रही है। अभी तो रेलवे और हवाई जहाज की बात हम लोगों ने सुना था, अब सुनते हैं कि दूरदर्शन को भी बेचने की बात हो रही है। तो सारा चीज़ जो हमारे देश का गौरव था, जो संस्थान सारा निजी कंपनियों के हाथ में बिक जाएगा तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में आंदोलित हैं और संघर्ष करते रहेंगे। कौकब कादरी जी भी यहीं पर मौजूद हैं, यहाँ से बैठकर क्या केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को आप लोग पहुँचा देंगे? सदाकत, निश्चित रूप में हम हर प्रखंड से, हर जिले से और देश के कोने कोने से अपनी आवाज़ को जो है कि कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचा रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में हम दबाव बनाने में कामयाब होंगे। और जिस तरह से आपने देखा एक साल से किसानों की समस्या को लेकर किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सैकड़ों किसानों की जानें चली गई हैं और ये बिल्कुल सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, निरंकुश बनी हुई है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है वो भी एक चिंता का विषय रहा है। जिस तरह से आज आर्थिक स्थिति देश की हमारी गई है, GDP ग्रोथ गिरा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको जनहित में लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ उठाती रही है और ना सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश के कोने कोने से इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और सरकार को हम झुका करके रहेंगे और अपने इस आंदोलन को और भी धार देंगे। महंगाई का नाम सुनते ही बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी जो हैं वो चौंक जाती है। अब वो सत्ता की जो मलाई में खाने में मस्त हो वो तो निश्चित रूप में चौंकेंगे, उनको महंगाई से क्या ले देना, उनको तो अवसरवादी राजनीति करनी है और अवसरवादी राजनीति का नतीजा देखिए कि डबल इंजन की सरकार है और जिस एजेंडे पर यह सरकार बनी थी और जो वादा किया था विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आज उसे भी मुकर रहे हैं। DNA टेस्ट अपना करा रहे थे, नाखून बेच रहे थे लोग दिल्ली, और आज देखिए कि किस तरह से गुलाटी मार रहे हैं। और जहां तक सवाल है OBC आरक्षण का उसके बारे में ये स्थिति स्पष्ट करें तो ये अवसरवादी राजनीति जो है कि जनता देख रही है आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जी आगे की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस को एक दिन की पार्टी नहीं, हम विचारधारा की पार्टी और हम लोग लड़ेंगे और लंबी लड़ाई पहले भी लड़े हैं, हम लोग 77 की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। तो ये कोई एक दिन का नहीं है कि आज हम धरना में बैठ के हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई। 40 साल के सक्रिय राजनीति में ये पहला अवसर है। पटना यूनिवर्सिटी जहाँ के मुख्यमंत्री हैं हम लोग हैं, लालू जी हैं, नारा लगाते थे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाओ, इससे बढ़िया हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आज साइंस कॉलेज का पटना कॉलेज का BN कॉलेज का वुमेन्स कॉलेज का छात्र कोचिंग में जाके पढ़ता है,
हाजिरी पटना यूनिवर्सिटी में बनाता है, गांव का स्कूल से खत्म हो गया, शिक्षा नहीं है, छात्रों का भविष्य नहीं है, मजदूरों को काम नहीं है, बेरोजगार नौजवान है, इंजीनियर डॉक्टर को ठेका पर रखा जा रहा है, वो जब मन हो तब निकाला जाए। अभी तो नारे लग रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। नारा लगाने के बाद एक बात होता है, पुराना अब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का हम आदर करते हैं चाहे जैसा व्यक्ति बैठा हो, तो उस परिप्रेक्ष्य में एक बात जान लीजिए, पद से आदमी गौरवान्वित नहीं होता है, बहुत कितना बड़ा पद हो, यदि आप उस पद के लायक नहीं है तो दो संसार होता है। आज देश में इंटरनेशनली संसार हो रहा है। राहुल गांधी ने जनहित की बात की है, जिनको अच्छा नहीं लगता है चाहे कांग्रेस के हों या बाहर के हों, वो अपना मातम मनाए, राहुल गांधी भविष्य देश का। तो आपने देखा और सुना, तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, कृषि कानून को लेकर। ये तमाम जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो सदाकत आश्रम में ही धरने पर बैठ गए हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।